भारत राउंड टेबल इंडिया एनजीओ और सिनेपालस वालों एक समय 10,000 बच्चों फ्री विच मूवी दिखाई गई। एनजीओ के नैशनल प्रधान रोबन अग्रवाल ते चेयरमैन सुमित गर्ग की अगवाई च देश के अलग अलग शहरों च बच्चों ते स्पैशल बच्चों वख-वख सिनेमा घरों च मूवी दिखाउण दा उपराला किया गया। इसे कड़ी के तहत अमृतसर च भी लगभग 200 बच्चों मूवी दिखाई गई ते उन्हां नूं मूवी दौरान कोल्ड ड्रिंक ते पॉपकॉर्न भी वंडे गए। फिल्म देखण पहुंचे बच्चों के चेहरे खुशी नाल खिड़े हुए दिखाई दिते। इसे दौरान वह बच्चे भी मौजूद रहे जो कुदरती करोपी का सामना कर रहे हैं, पर उन्हां लई भी यह एनजीओ खुशियां दा खेड़ा लैके आई। इस मौके ते एनजीओ दे अहुदेदारां ते मैंबरां ने मीडिया नाल भी गलबात कीती है। आओ सुन लैंदे आं उन्हां दा की कहना है। मेरा नाम सुकमृत है ते मैं राउंड टेबल इंडिया दा एक मैंबर हां। अज इस वेले तुसीं यकीन करो 38 सिटीज दे विच तकरीबन 10,000 बच्चे सेम मूवी देख रहे सेम टाइम ते। एक राउंड टेबल इंडिया दी अचीवमेंट है, एक फीट है जिहड़ी उन्होंने कीती है ते उह जे बहुत ज़्यादा उपराले उह करदे रहिंदे आ। मेन साडा पर्पस है फ्रीडम टू एजुकेशन। जिहड़े बच्चे एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे फाइनैंशियल रीजनस करके या कोई होर रीजनस करके, साडी कोशिश होंदी है कि उन्हां तक वो एजुकेशन लैके जाई जावे, क्योंकि जदों बच्चा पढ़ लिख नहीं जाएगा उन्हूं कल नूं जाके रोज़गार नहीं मिलेगा तो वह माड़े कम्मां च पएगा। तो साडी कोशिश है कि छोटी उम्र तो बच्चे नूं मतलब आपां सही दिशा दे विच लैके जाइए। फ्रीडम टू एजुकेशन दे विच असीं बच्चों के स्कूल्स भी बनवाने, उहदे क्लासरूम्स बनवाने, स्मार्ट क्लासरूम्स भी बनवाने, कितें जे टॉयलेट्स की वॉशरूम्स की लोड़ है तो असीं उत्थे भी प्रोवाइड कराने। इस तो अलहदा असी एनिमल वेलफेयर वास्ते भी काम करते हैं, ब्लड डोनेशन वास्ते भी काम करते हैं, ट्री प्लांटेशन दे विच भी असी काम कर रहे हैं। ये हौली हौली तुहानू शायद दिखेगा कि होर काफ़ी काम है जो राउंड टेबल इंडिया कर रहा है। अज जी फिल्म है वह नाम है जवान जी दिखाई जा रही है तो ऑल ओवर इंडिया सेम फिल्म अभी दिखा रहे हैं। मेरा नाम नितिन है जी और मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, रियलेटर बाय प्रोफेशन, और हम इधर राउंड टेबल इंडिया का के नाम से हम एनजीओ चलाते हैं और हमारे अमृतसर के एनजीओ का नाम है राउंड टेबल अमृतसर। इसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ और चेयरमैन है मिस्टर अनुज जी। हाँ जी पूछिए सर, और क्या चीज़ पूछना चाहेंगे। आज हम इवेंट कर रहे हैं 10,000 बच्चों को ऑल ओवर इंडिया सेम टाइम सेम प्लेस सिनेपोलिस की तरफ से 10,000 बच्चों को जवान मूवी दिखा रहे हैं, जो कि एक बड़ी एजुकेशनल मूवी है और जिसके अंदर अमृतसर के अंदर हमारे पास तकरीबन 200 बच्चे हैं जो कि अलग अलग अंडर प्रिविलेज स्कूल से हैं, जिसके अंदर की हैंडीकैप बच्चे भी हैं, थोड़े जो गरीब बच्चे भी हैं और जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, कि उनके लिए शायद आज की डेट के अंदर एक मूवी हॉल के अंदर, अच्छे मूवी हॉल के अंदर आना, कोल्ड ड्रिंक चिप्स पॉपकॉर्न्स लेके मूवी देखना शायद उनके लिए उनके पेरेंट्स के लिए एक सपना है। तो हम चाहते हैं कि हम इस एनजीओ के थ्रू उनके ये सपना साकार करें और किसी तरीके उनको एक ऐसी फीलिंग दें कि जिसमें उनको एक अच्छी खुशी मिले, एक वाइब्रेंट स्माइल अंदर से मिले। उनकी खुशी में हमारी खुशी है। बाकी बहुत एनजीओज हैं जो कि आते हैं कंबल बांट के चले जाते हैं, ये करके चले जाते हैं, हम ये करते हैं, लेकिन बेसिकली जो इनर हैप्पीनेस है, पैसा इनर हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता। इनर हैप्पीनेस अगर हम खरीद सकते हैं तो वो हमारा टारगेट है। बाकी इस एनजीओ के लिए यही है कि किसी तरीके जिसके अंदर गरीबों की खुशी, बच्चों की खुशी मिलती है, उसके लिए राउंड टेबल इंडिया काम करता है। राउंड टेबल इंडिया की हेल्प करें, सपोर्ट करें और कीप वर्किंग फॉर वेलनेस ऑफ पीपल एंड चिल्ड्रन। हम लोग सरकारी स्कूलों के अंदर ऑलरेडी अभी तक हम 8,000 प्लस क्लासरूम्स ऑल ओवर इंडिया राउंड टेबल इंडिया बना चुका है और स्टिल बिल्डिंग। हम लोग इसके अंदर काफ़ी पब्लिक टॉयलेट्स बना चुके हैं और स्टिल बिल्डिंग, और हम चाहते हैं बाकी एनजीओज भी आके अगर हमारे साथ हेल्प करें तो वी विल बी ग्रेट। हाँ जी, इस तरह के काम करके आपको कितनी खुशी मिलती है? सर हमको ऐसे खुशी मिलती है जैसे कि हमने किसी का सपना पूरा कर दिया हो, उस सपना पूरी करने के लिए जो खुशी है वो हमको लगता है। जैसे किसी को बोलता है ना कि यार मेरी आखिरी मनोकामना पूरी कर दो, वैसे किसी की मनोकामनाएं पूरी की हो तो ये हमको वैसी खुशी मिल रही है। हाँ जी बेटा, अपना नाम? राघव। आज मूवी देखने आए हो? कौन सी मूवी देखने आए हो? तो कैसा लग रहा है? अज ये उपराला किया मॉल तो कि सानू साडे सारे बच्चों नू मूवी दिखाने वास्ते बुलाया और बच्चे बहुत एक्साइटेड ने, बहुत खुश ने। असीं सारे भी बहुत खुश हाँ कि बहुत देर बाद बच्चों नू आउटिंग देन लगे हाँ।
नीचे मिट्टी कैफे चला रहे बच्चे और उत्थे तक बच्चे आंदे रहंदे पर मूवी देखने बच्चे फर्स्ट टाइम आए।